हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द 10.7 क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप। कि बेसिकली डिफरेंट क्लाउड्स के ऊपर जो भी नंबर्स ऑफ हमने सर्विसेज देखे, तो हर सर्विसेज के अंदर यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न है सिक्योरिटी, तो इस सिक्योरिटी को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट है द क्लाउड सर्विस रिसोर्सेज। क्लाउड रिसोर्स सेगमेंटेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द सेपरेशन ऑफ फिजिकल एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट आर क्रिएटेड फॉर अ डिफरेंट यूजर एंड डिफरेंट ग्रुप। कि फर्स्ट की जितने भी नंबर्स ऑफ यूजर्स एंड ग्रुप है, उसको उनको डेटा एक्सेस करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले क्लाउड रिसोर्स सेग्रीगेशन। इन द सेंस जितने भी नंबर्स ऑफ हमारे फिजिकल या वर्चुअल इन्वायरमेंट है, वर्चुअल क्लाउड से उनको जो भी नंबर्स ऑफ यूजर एक्सेस करने हैं या जो ग्रुप एक्सेस करने हैं, तो उनके लिए एक डिफरेंट यूजर्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स हम क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन वैट कैन बी अ पार्शेड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नेटवर्क सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। कि हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन कि जितने भी नंबर्स ऑफ नेटवर्क है या जितने नंबर्स ऑफ ग्रुप, जस्ट लाइक कि वन ऑफ द आईटी ग्रुप, वन ऑफ द इंपोर्ट ग्रुप, वन ऑफ द एक्सपोर्ट ग्रुप, वन ऑफ द टेक्सटिंग ग्रुप, वन ऑफ द सॉफ्टवेयर टीम, कैसे जितने नंबर्स ऑफ ग्रुप्स होंगे हमारे, हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग नेटवर्क एंड अलग अलग हम यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स बना सकते हैं फॉर एन सिक्योरिटी पर्पज। The cloud-based resources segmentation process created the cloud-based security group mechanism that are determined through a security policy. According to policy, हम क्या कहेंगे, जितने भी numbers of segregation, okay, segregation जो अभी हमने देखा था कि according to physical and virtual environment, हम क्या कहेंगे यहाँ पे different numbers of users and different numbers of group, उसके accordingly उनको एक्सेस देंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो भी पॉलिसी हो फॉलो करेंगे। देख द नेटवर्क आर सेगमेंटेशन इनटू लॉजिकल क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप दैट फॉर्म अ लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर्स। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक यूजर को या हर एक ग्रुप को एक लॉजिकल नेटवर्क के अंदर बाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो लॉजिकल नेटवर्क्स मैकेनिज्म है वो भी हम यहाँ पे फॉर एन सिक्योरिटी पर्पज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ईच क्लाउड बेस्ड आईटी रिसोर्सेस इज असाइन टू एटलीस्ट वन ऑफ लॉजिक क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप। कि जितने भी नंबर्स ऑफ ग्रुप हम बनाएंगे, जो हमारे जितने एन नंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन होंगे, तो हर एक ग्रुप के साथ या जो क्लाउड बेस्ड आईटी रिसोर्सेस है वहाँ पे एटलीस्ट वन हम क्या करेंगे, एक लॉजिकल क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप भी उसके साथ अटैच करेंगे। इन द सेंस उसके अंदर जो भी नंबर्स ऑफ एक्टिविटी होने वाले, और डायरेक्टली जो हमारा टेक्निकल हो गया, जो डायरेक्टली जो सिक्योरिटी ग्रुप है उनके साथ ना कर पाए, तो सिर्फ वर्चुअली उसके ऊपर क्या करेंगे, व्यू करेंगे, उनके ऊपर वॉच करेंगे कि क्या कोई थ्रेड्स है या कोई अननोन एक्टिविटी उसके अंदर हो रही है या कोई एरर की एक्टिविटी हो रही है क्या। तो ए जितने नंबर्स ऑफ टास्क होंगे वो हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है वहाँ पे व्यू करने के लिए, एक डिफरेंट ग्रुप जो हम बनाएंगे उसके अंदर एक तो लॉजिकल ग्रुप का मेंबर हम वहाँ पे ऐड करेंगे फॉर अ सिक्योरिटी पर्पज। देन नेक्स्ट द ईच लॉजिकल क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप इज असाइन स्पेशली रूल दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सिक्योरिटी ग्रुप। कि यहाँ पे हम क्या कहेंगे नेक्स्ट, कि जितने भी नंबर्स ऑफ लॉजिकल ग्रुप हमने बनाए फॉर एन सिक्योरिटी बेस्ड या सिक्योरिटी ग्रुप, ईच लॉजिकल क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप इज असाइन टू स्पेसिफिक रूल। कि हर एक जो हमारे क्लाउड के ग्रुप्स है उसके जो मेंबर्स है उनको एक स्पेसिफिक रूल्स के रूल्स हम असाइन करेंगे, जिसके थ्रू कहेंगे जितने भी नंबर्स ऑफ ग्रुप्स हमने बनाए, जितने भी नंबर्स ऑफ यूजर्स है उनके साथ कम्युनिकेशन करें, जो भी सिक्योरिटी ग्रुप्स होंगे सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं वो यहाँ पे हम देखेंगे। देन इसी चीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम थोड़ा सा और अच्छे से इलेबोरेट करने की
कोशिश करते हैं, मतलब मल्टीपल वर्चुअल सर्वर इज रनिंग ऑन द सेम फिजिकल सर्वर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ डिफरेंट लॉजिकल क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप. द वर्चुअल सर्वर कैन बी फर्दर बी अ सेपरेट इनटू अ पब्लिक प्राइवेट ग्रुप, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ग्रुप एंड एनी अदर डेजिग्नेशन कॉन्फिगर बाय द क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर. यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो क्लाउड कंज्यूमर्स है एंड एन नंबर्स ऑफ डिफरेंट क्लाउड की सर्विसेज हम यहाँ पे एक्सेस करें, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने दो पार्ट्स के यहाँ पे द क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप वन ए एंड क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप टू. तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक कंसीडर किया, एक हमारा फिजिकल सर्वर है दैट इज अ ग्रीन कलर में जो दिया है एंड रेड में दिया है दैट इज हमारा वर्चुअल सर्वर फॉर एन आइडेंटिटी पर्पज. सो द क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप ए ऑफ कनेक्टेड विथ अ सर्वर ए एंड सर्वर डी, कि जो हमारा क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप है हमारा ए है एंड डी सी कनेक्ट है. सेम कि हमारा जो क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप बी है इट्स कनेक्टेड विथ द वर्चुअल सर्वर बी सी ई, एंड ये जो है किसके साथ कौन कौन आता है, जो हमारे क्लाउड सर्विस ग्रुप ए है जो हमारे क्लाउड कंज्यूमर ए के साथ कनेक्ट है. सेम दो सिक्योरिटी ग्रुप बी है वो हमारे क्लाउड कंज्यूमर बी के साथ कनेक्ट है. द क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप, तो जो ये जो नंबर्स ऑफ क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप्स हमने किए उससे हमें क्या हेल्प होने वाले, क्या चीज होने वाले. द क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप्स हेल्प द लिमिट द अनऑथराइज एक्सेस टू आईटी रिसोर्सेज इन द इवेंट ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच, कि जितने भी नंबर्स ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच हम बनाएंगे कि जितने भी नंबर्स ऑफ हमारे वर्चुअल सर्वर या वर्चुअल ग्रुप्स होंगे तो उतने नंबर्स ऑफ टाइम हमारे यहाँ पे अनऑथराइज जो एक्सेस है, इन द सेंस वो अनऑथराइज एक्सेस को डिटेक्ट करना होगा, अनऑथराइज एक्सेस को कैच करना होगा, उसको अवॉइड करना होगा. तो ये सब चीजें हम विद द हेल्प ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी ग्रुप्स यहाँ पे करने वाले हैं. तो दिस मैकेनिज्म कैन बी यूज टू हेल्प द इनकाउंटर अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, कि जो हमारा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है उसको हम इनकाउंटर कर सकते हैं, सॉरी काउंटर कर सकते हैं. और सफिशियंस ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एन नंबर्स ऑफ, इन द सेंस यहाँ पे जैसे फाइव नंबर्स ऑफ, अभी फिलहाल के लिए फाइव नंबर्स ऑफ क्लाउड से क्लाउड ग्रुप है या हम ग्रुप्स को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप्स. अनसफिशियंट ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन इसको कम करेंगे. देन ओवरलैपिंग अ ट्रस्ट बाउंड्रीज इसको भी हम कम कर सकते हैं एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द क्लाउड नेटवर्क पैरामीटर मैकेनिज्म. इन नंबर्स ऑफ एन नंबर्स ऑफ जो हमारे रिसोर्सेस कम होने की वजह से हमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसके ऊपर सोल्यूशन क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप. मैकेनिज्म के अंदर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन होगा सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते हैं या डायरेक्टली जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ पे हमें डीएम कर सकते हैं. इफ ए वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.